आज आप लोगों के लिए एक चैलेंज मैं लेके आया हूँ अपने लिए और अपनी टीम के साथ। इस वक्त आप असलम भाई दिखाएं, ये देखें सब सब जगह जो है ना हम फंस चुके हैं। पीछे कैमरा लेके जाएं, ये देखें ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और बहुत बुरा हाल है हमारा। इस वक्त हमें समझ में नहीं आ रहा कि जो चैलेंज हम लेके चले हैं कराची से कि ऐसी जगह जाना है जहाँ पर कुछ भी ना हो और हम सिर्फ मछली का शिकार करें और उसी से हम रात का खाना या सुबह का खाना खाएं। ये हमारा चैलेंज है कराची से लेके आए। अगर ये नहीं कर सके, हम मछली नहीं पकड़ सके, तो फिर हमारा जो चैलेंज कंप्लीट होगा वो ये होगा कि हमें कराची में ही जाके कुछ भी खाना पड़ेगा। जो वहाँ पे पहला कराची का होटल आएगा वहाँ पे हमें खाना पड़ेगा। तो ताबड़तोड़ कोशिश ये है कि बुरे तरीके के हालात ख़राब हैं, सिर्फ और सिर्फ मट्टी है, मट्टी दरख्त है, पहाड़ है और कोई भी नहीं है, ना बंदा है ना बंदे की जात है। तो ये चैलेंज बहुत ज़्यादा कठिन, बहुत ज़्यादा मुश्किल और बहुत ही डिफ़िकल्ट हो चुका है इस वक्त हमारे लिए, लेकिन इसको हमने शुरू करना है हर सूरत के अंदर, हर हाल के अंदर। ये देखें मेरे टीम मेंबर अभी से चीज़ें जमा करना शुरू कर चुके हैं कि जितना मुमकिन हो सके हम यहाँ पे सर्वाइव करें। तो अभी आप देखते हैं कुछ मेरे दोस्त, कुछ मेंबर आगे गए हैं उस तरफ, वो सामने दिखे हैं वो असलम भाई, वो देखें उस तरफ गए और अभी आ रहे हैं। आगे बताते हैं कि वहाँ यहाँ पे हम सेफ रहेंगे, हमारी गाड़ी सेफ रहेगी या नहीं रहेगी और वहाँ पे कोई शिकार करने की जगह है जहाँ पे हमें शिकार लग जाए। तो फिलहाल फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी है कि हम देख रहे हैं लोकेशन, खतरनाक लोकेशन पे आ चुके, खड़े हो गए आके। तो देख रहे हैं हम लोकेशन, लोकेशन जैसे हमें फाइनल होगी हमने कोशिश कर देनी है डोर फेंक के, हाथ से डोर फेंकनी है समंदर में और मछली निकालनी है। कोशिश करनी है कि कितनी मछली जितनी पकड़ेंगे उतना अच्छा खाना खा सकेंगे और काम कर सकेंगे। ये देखें पीछे आपको आवाज़ आ रही होगी, ये देखें, ये देखें मामा भाई आ गए, ये देखें, ये देखें ये आ गए, देखिए किस तरीके से आ रहे हैं, गाड़ियों से निकलते हैं, जंगल से निकलते हुए ये इमाम भाई आ गए। पीछे सरफराज भाई हैं और एक टीम मेंबर और है। तो अभी आके पूछते हैं इमाम भाई से कि इमाम भाई क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, मैं जाता हूँ इमाम भाई क्या हुआ, क्या समझ में आया? हम लोग जंगल में फंस गए तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे तरीके से यहाँ पे स्टे करें, अच्छा प्रोग्राम हो और फिशिंग हो, अच्छा पॉइंट ढूंढ रहे हैं, चारों तरफ जंगल है, आप दोस्तों को जरा दिखाएं। मैं सब दिखा चुका हूँ, सब बता चुका हूँ कि हम बुरे तरीके से स्टक हो चुके हैं इस वक्त ना। आसार बहुत कम है, मछली का आसार भी कम है भाई, तो चैलेंज कैसे पूरा करोगे, भूखे रहोगे पूरी रात? सामान सब उठाओ, गाड़ी करो, गाड़ी लॉक करके हम लोग यहाँ से चढ़ेंगे पहाड़ के ऊपर इंशाल्लाह। फिर आगे नीचे घेरा पॉइंट, अच्छा वो बता रहा था, एक बंदा मिला था कह रहा वो खतरनाक जगह है क्योंकि पानी चढ़ता है तो ऊपर तक आता है। जिन्नात भी हैं, जिन्नात भी हैं, एक हमारे साथ भी आया हुआ वो भी दिखाओ, ये हमारे बड़े जी किसको खाऊं कि ये खतरनाक खतरनाक किस्म का जिन्नात इन पे आ चुका है अब तक। और अब हम जा रहे हैं सीधा और वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं कितने मुश्किल रास्ते से होते हुए यहाँ से हमें जाना है। वो आगे हमारे दोस्त वहाँ बैठे हुए और ये है यहाँ हम शिकार करेंगे, किस तरीके से सामान हम अपना लेके आ रहे हैं और क्या ही ज़बरदस्त सर्वाइवल है हमारी और चैलेंज को पूरा करने के लिए क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं हम। रास्ता कोई नहीं था यहाँ पर आने का, अब वहाँ जाना है। और फैसल भाई सामान पकड़ते हुए, हाँ फैसल भाई मज़ा आ रहा है? बिल्कुल मज़ा आ रहा है ना। हम लोग उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे किसी इंसान का कोई भी आता पता नहीं है हमारे अलावा, यहाँ मौजूद हैं। बहुत मुश्किल और बहुत कठिन जो है ना रास्ता था, बहुत क्लाइंबिंग था, बहुत मुश्किलों से आए हैं और अब हम अपने शिकार का आगाज़ करेंगे, इंतज़ार करेंगे कि पानी जो अभी उतार की तरफ है जब वो चढ़ना शुरू होगा तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा चांस होते हैं मछली लगने की, क्योंकि हम अपनी एनर्जी अभी ज़ाया नहीं करना चाहते किसी भी सूरत के अंदर, तो हम अपनी एनर्जी को बरकरार रखेंगे, महफूज रखेंगे, क्योंकि हमारे पास पानी नहीं है बिल्कुल भी पीने को, और पानी नहीं है तो खाना भी नहीं है। तो ये जो पानी हम अपने रास्ते में पी के आ चुके हैं उसी को हमें अपना मेंटेन रखना है, प्यास को डिहाइड्रेशन से बचना है। तो फैसल भाई ने झींगा अपना उठा लिया है, चैलेंज की पहली डोर मछली पकड़ने की तैयारी है। फैसल भाई क्या कह रहे हो, मछली पकड़ना अभी क्या चांस, कितने चांस हैं अभी? तो समझो 100 में से 50% है, 100 में से 50% चांस है कि मछली आपको लग सकती है और 50% नहीं लग सकती, क्यों ऐसा क्यों? अच्छा फैसल भाई कह रहे हैं कि चढ़ाव नहीं हुआ अभी तक, तो जब चढ़ाव पूरा हो जाएगा ये डोर फेंक दी उन्होंने, आप इंतज़ार करते हैं फैसल भाई का, फैसल भाई क्या करते हैं। तो है ना अभी आवाज़ आई है अपना इनकी सरफराज भाई की, क्या हुआ सरफराज भाई क्या किया?
एक मिनट मैं बात से जा रहा हूँ कि गिर ना जाऊँ, स्लिप ना हो जाऊँ। क्या हुआ, क्या किया, मछली मारी, दिखाओ दिखाओ। देखिए सरफराज भाई ने पहली मछली मार ली है, एक मछली तो हो गई है, आप देखते हैं मजीद कितनी मछली हम पकड़ सकते हैं। तो जबरदस्त हो गया, मैं बहुत दूर हूँ वो बहुत उधर है, तो इसी तरीके से आवाज़ लगाएंगे और बताएंगे कि क्या सीन है क्या नहीं। ये मछली आ गई, मुझे पहली मछली लग चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त किस्म की मछली लग चुकी, साइज चेक करें, ये भी हो गया माशाल्लाह। देखिए मुझे मछली लग गई, और ये देखें माशाल्लाह, ये चेक करें मुझे मछली लग गई। मैंने भी इस चैलेंज के अंदर भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट कर लिया है और मेरे हिस्से की मछली मिल गई। इंशाल्लाह और मछली पकड़ते और जबरदस्त किस्म का कोरमा बनाएंगे, फ्राई करेंगे और खाएंगे, वीआईपी हो जाएगा। ये देखें तो फैसल भाई को भी मछली लगी है, मैंने आपको दिखाया था कि फैसल भाई ने भी जो है ना वो जबरदस्त किस्म से कोशिश की थी और बता रहे थे कि 50% चांस है मछली लगने के। तो फैसल भाई की तरफ चलते हैं। क्या मार दिया, फैसल भाई ने भी चारा मार दिया भाई, बैक टू बैक चारम हो गए, मेरे पास भी चारम आया था और चैलेंज जबरदस्त किस्म से चल रहा है। तो देखते रहे वीडियो को आखिर तक, देखिएगा लाजमी बताइएगा कि आपको कैसी लग रही है और हमारा चैलेंज कैसा चल रहा है। ये देखें एक और मछली जो है ना हमें लग चुकी है, ज़बरदस्त किस्म का बड़े साइज का दाना है और शिकार ऑन हो गया है, शिकार पे शिकार लगे जा रहा है माशाल्लाह, बैक टू बैक और ज़बरदस्त हो गया। अब मछली निकालते हैं इसको, और मैंने दो मछली मार ली, तो ये आप देख सकते हैं मुझे एक मछली लगी है, तो ये छोटी है, हम इसको आज़ाद कर देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आब हयात है, आब हयात से परवरिश कर ली है, तो बड़ी होगी ना फिर इंशाल्लाह इसको पकड़ेंगे। अभी मैं आपको दिखा दूँ ये टोटल मंज़र इसलिए दिखा रहा हूँ कि मगरिब होने वाली है और हमने इस वक्त तक 2-3-4 मछलियाँ पकड़ चुके हैं। फैसल भाई ने एक पकड़ी है, मैंने दो, ये तीसरी है, एक एहसन भाई ने वहाँ उधर से पकड़ी है, तो 4 मछली हो चुकी है। और अभी यहाँ पे मैं इसको आज़ाद करूँगा, तो इसका मैं कांटा निकाल दूँ पहले बड़े प्यार मोहब्बत से। तो मुझे एक काम करना पड़ेगा कि इसका कांटा निकालने के लिए मुझे थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ी। अभी मैंने इसका कांटा निकाल दिया है, अब मैं इसको आज़ाद करूँगा। ये देखें अब मैं इसको आज़ाद करूँगा और ये जारी और ये चलेगी। तो मैंने एक अच्छा काम ये किया कि एक छोटी मछली लगी उसको मैंने आज़ाद कर दिया, आपने चैलेंज को नहीं देखा। तो व्यूवर्स आपको ये मेरा इकदाम कैसा लगा आप लाजमी शेयर करें, कमेंट्स में बताएं। ये देखें माशाल्लाह कैमरे में भी नहीं आ रहा, ज़बरदस्त किस्म की कुकड़ी, VIP कुकड़ी। ये मेरी माशाल्लाह चौथी मछली है, अब तक आपका भाई इस चैलेंज के अंदर विनर जा रहा है, 4 मछलियाँ पकड़ चुका हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये साइज चेक करें, ज़बरदस्त किस्म की कुकड़ी, VIP हो गया, साइज हो गया और माशाल्लाह फैसल भाई भी लगे हुए हैं यहाँ पे, और इधर अपना असलम भाई हैं उस तरफ, वो देखें लाइट आपको नजर आ रही है, इमाम भाई, एहसन भाई और सरफराज भाई भी लगे हुए हैं। तो ज़बरदस्त हो गया गाइज, तो अब हम इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे और दोबारा कोशिश करेंगे। बड़ी देर के बाद स्ट्राइक हुई और ज़बरदस्त दाना आई है, देखिए फैसल भाई क्या लग गया, हग्गा लगा हुआ है, कैट फिश। तो सालन की मछली तो जमा हो रही है भाई साहब, और कग्गे का बच्चा है, आप थोड़ी लाइट कम है, ये देख आपको चमकता हुआ नज़र आ रहा है, तो खग्गा है पट्टा। तो अभी इसको पीछे कर लेते हैं, ये देखें ये जा रहा, तो खग्गा लगा हुआ है, खग्गा को लगे रहने दें। और फैसल भाई ने एक मछली और मार ली, फैसल भाई 3, प्रधान 4, एक मैंने आज़ाद कर दी, वो मिला के 5। माशाल्लाह, और ये फैसल भाई 4 और फैजान 4 का मुकाबला चल रहा है, और माशाल्लाह चैलेंज तो मुझे ऐसा लग रहा है कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन पानी से बुरा हाल है, कमो बेश बहुत टाइम हो गया पानी नहीं पिया, और अभी तो 7 बजे हैं। तो गाइस बहुत देर हो गई, कोई मछली नहीं लगी, फैसल भाई ने 4 मार ली हैं, मैंने भी 4 मछलियाँ फिशिंग की है। तो बताने बोलने का मकसद ये कि अभी तो 7 बजे हैं, मगरिब हुई है और पानी से बहुत बुरा हाल है, परेशान है, और कैसे रात गुजरेगी समझ में नहीं आ रहा, सब अपने शिकार में लगे पड़े हैं।
और सब कोशिश कर रहे हैं कि उस चैलेंज को पूरा कर सकें। तो मैं तो बड़ा परेशान हूँ, दूसरों का मुझे नहीं पता क्या पूछा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, VIP हो गया, हाथ नहीं लगाना, ये खग्गा है, इसका कांटा बड़ा खराब होता है, ये खग्गा है और ये हमारे बड़े खग्गे हैं। असलम भाई ने मछली मार ली, असलम भाई ने सिर्फ पहली भी मछली कौन सी मारी थी असलम भाई आपने? पता नहीं कौन सी खग्गा मारी थी आपने वहाँ पे, उधर उधर जो मारी थी आपने। तो असलम भाई की नसीब में है खग्गे, ये जबरदस्त कैच फिश। तो असलम भाई ने भी अपना कांटा खोल लिया और चैलेंज के अंदर शामिल हो गए असलम भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े इंतज़ार के बाद एक बार फिर मुझे मछली जो है ना वो लगी है। तो ये मेरी छठी मछली है अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े साइज़ की है, ज़बरदस्त है, इसे कुकड़ी कहा जाता है, तो VIP साइज़ है। तो अब इंशाल्लाह अब जो भी गेम होगा वो आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, आप हमें बताएंगे कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। हेलो गाइस, ये देखें समंदरी सांप, मैं आप कई तरीका, ये बड़ा खतरनाक होता है, और ये देखो इसे मेरे दोस्त पूरे तरीके से लपेट लिए, ये बड़ा खतरनाक होता है, ज़्यादा कहते हैं और सारी पूरे तरीके से मुँह के अंदर जो मेरा काटा है, और ये अब जैसे जैसे करके जो है ना काले का ये क्या कुछ करना पड़ता है, क्या कुछ करना पड़ता है चैलेंज पूरा करने के लिए। अभी देखें इसके साथ क्या करना चाहिए, तो अब इसको रिलीज़ करेंगे किसी भी तरीके से। ये मिशन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हो गया है। ये आप साइज़ देखें और ये मछलियाँ, तो तमाम ही मेंबर ने अच्छी मछली पकड़ी और इस मिशन में हम कामयाब हुए। हाँ अलबत्त ये हुआ कि हमारी कंडीशन ये थी कि हम इससे खाना खाएंगे, लेकिन हमारे एक मेंबर हैं सरफराज भाई, ये इनकी तबीयत वहाँ अचानक ख़राब हो गई, तो हम तकरीबन सुबह जो है ना वहाँ अर्जेंट निकलना पड़ा। और ये चेक करें ये दाने का, ये देखिए माशाल्लाह साइज़ देखें ज़बरदस्त, और ये और ये, तो तमाम ही मेंबर ने अपनी जो टारगेट था उनको वो अचीव किया। तो वीडियो अच्छी लग रही है, ये तो माशाल्लाह से फैजान भाई को लगी है दाने, और इसमें खगे जो हैं वो भी फैजान भाई को लगे हैं।